दुल्हन हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में मशहूर है। हिंदुस्तान की दुल्हनों की अनेकताएं उनको और भी खूबसूरत बनाती हैं। आइए आज हम आपको विभिन्न राज्यों की दुल्हनों और उनके श्रृंगार, आभूषण और पहनावा दिखाएंगे। आइए आज हम आपको बंगाल की दुल्हन के बारे में जानकारी देते हैं। भारत देश के हर राज्य में शादियां एक अलग अलग रीति रिवाज से की जाती है। बंगाली शादी के रीति रिवाज कुछ इस तरह से हैं। बंगाली दुल्हन को किस तरह सजाया जाता है। बंगाली शादी में हल्दी में, जिसे होलित कोटा कहा जाता है, दुल्हन को हल्दी, तेल और चंदन का पेस्ट लगाया जाता है और फिर स्नान के बाद नहाकर नए कपड़े पहनाए जाते हैं। लाल सफ़ेद रंग की साड़ी पूजा में पहनते हैं। शादी में दुल्हन को सफ़ेद और लाल रंग का चूड़ा पहनाया जाता है, जिसे शंखापूर्णा कहते हैं। एक जोड़ा पहनाया जाता है। दुल्हन को ताज सफ़ेद पहनाया जाता है। उसे देवी माँ की तरह सजाते हैं, पैरों में लाल रंग लगाते हैं, जिसे आलता कहते हैं। लाल कुमकुम और चंदन से माथे पे श्रृंगार किया जाता है। आई बूढ़ो बात, शादी से एक रात पहले दुल्हन अपने माता पिता के घर में अंतिम भोजन का आनंद लेती है। सब लोग इस रात गाते हैं, नाचते हैं। गाय होलुद तत्व, इसमें दुल्हन को उपहार में प्यार से कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे मिठाइयाँ, पान, दही, भूसी चावल और बहुत सारी महत्वपूर्ण पारंपरिक चीज़ें मिलती हैं। हार श्रृंगार का सामान भी मिलता है। बंगाली शादी में दुल्हन दूल्हे के साथ फेरे लेती है, पर दुल्हन अपना चेहरा पान के पत्तों से ढक कर रखती है। शादी में शुभ दृष्टि, यानी सात फेरे लेने के बाद दुल्हन अपने चेहरे के सामने से ब्रग के पत्तों को हटाती है और अंत में अपने दूल्हे की ओर देखती है। शुभ दृष्टि के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को फूलों की माला तीन बार आदान प्रदान करते हैं। पति पत्नी स्वीकार करते हैं, जिसे बंगाली में माला बादल कहते हैं।